नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नौजवानी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जून के फोर्थ वीक के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 44 वीकली करंट अफेयर हुए थे उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं देखने वाले हैं सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स एक में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ आप अपना टेस्ट भी करते चलिएगा आप अपने उत्तर हमें लाइव चैट और कमेंट में देते रहिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं जून के फोर्थ हफ्ते के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी ट्वेंटी के शिखर सम्मेलन 2019 का जो है आयोजन किया गया था तो जी ट्वेंटी का शिखर सम्मेलन की जो बैठक है वो 2019 में कहां पर हुई है ये बताना है तो अपना उत्तर आप हमें लाइव चैट में जल्दी से दे सकते हैं तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी ओसाका तो दोस्तों ओसाका जो कि जापान में है तो जापान में मौजूद ओसाका में जी ट्वेंटी सम्मेलन 2019 का जो है ये आयोजन स्थल इस बार रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में रूस चीन और अमेरिका के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की है उन्होंने और जी सम्मेलन में उन्नीस देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल हैं जैसा कि आप सभी को मालूम होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अगला है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाएगा तो अपना उत्तर आप जल्दी से कमेंट में हमें दे दें तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी पंकज अडवाणी तो पंकज अडवाणी जो हैं हाल ही में इन इस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है दोस्तों बता दें कि अब इस प्रतियोगिता के बाद पंकज अडवाणी जो हैं वो आई वर्ल्ड कप 2019 में हिस्सा लेंगे इसका आयोजन जून के अंत में कतर के दोहा में किया जाएगा एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप दोस्तों एक नॉन प्रोफेशनल स्नूकर टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत 1984 में यानी कि उन्नीस में हुई थी इस इवेंट को एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स के द्वारा मान्यता दी गई है और हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है वो भारतीय खिलाड़ी पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली तो इंपॉर्टेंट है तो ये बुक जो है किस कलाकार की आत्मकथा है ये बताना है जो कि बुक चर्चा में रही है तो इसका सही उत्तर रहेगा अनुपम खेर यानी कि ऑप्शन डी तो इस पुस्तक में जो है दोस्तों अनुपम खेर के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा किया जा रहा है तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है और जो ये बुक है लेसेंस लाइफ टॉट मी अनोइंगली ये अनुपम खेर की आत्मकथा है नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के द्वारा दिए गए नए विधेयक के अनुसार आपात वाहनों को रास्ता ना देने पर कितना जुर्माने का जो है प्रावधान किया गया है यानी कि जो एम्बुलेंस वगैरह होती है अगर उसको रास्ता नहीं दिया जाता है तो कितने रुपए का जुर्माना जो है लगाने का प्रावधान किया गया है ये बताना है तो सही उत्तर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी दस हज़ार रुपये तो दस हज़ार रुपये का जुर्माना लग सकता है अगर आप एम्बुलेंस वगैरह जो यानी कि आपात वाहन है उनको रास्ता नहीं देते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला है कि हाल ही में किस देश ने ईरान पर साइबर अटैक किया है तो कुछ ही समय पहले की ये बात है तो अमेरिका ने जो है ईरान पर साइबर अटैक किया था तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी अमेरिका दोस्तों ईरान तो में अपने निगरानी ड्रोन गिराए जाने से नाराज अमेरिका ने ईरान की जो मिसाइल नियंत्रण प्रणाली है यानी कि ईरानियन मिसाइल कंट्रोल सिस्टम्स और एक जासूसी नेटवर्क पर साइबर हमले जो हैं वो किए थे नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो वर्ष दो में जो शीतकालीन ओलंपिक गेम्स होंगे यानी कि विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे ये जो आयोजित किए जाएंगे ये किए जाएंगे ऑप्शन बी इटली में तो वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो इटली के मिलान तथा कॉर्टिनो डी अम्पेजो में किया जाएगा यह निर्णय स्विट्जरलैंड के लॉसैन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक सौ सत्र में लिया गया वर्ष 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये 6 से 22 फरी फरवरी 2026 के दौरान किया जाएगा तो वर्ष 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन इटली में होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस साल तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर बल दिया है यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसके मॉडर्नाइजेशन पर बल दिया है तो किस साल तक किसानों की आय दुगने करने का लक्ष्य रखा गया है यह बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी साल 2022 तक तो सरकार ने प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए जिला स्तर पर सात कृषि विज्ञान केंद्र और छः कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसियों की, की स्थापना की है और साल 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है नेक्स्ट है हाल ही में क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ कौन से भारतीय गेंदबाज विश्व कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए थे तो ये आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए मोहम्मद शमी तो मोहम्मद शमी जो हैं ये वनडे करियर की इनकी पहली हैट्रिक है और इस वर्ल्ड कप में किसी भी गेंदबाज के द्वारा ली गई भी ये पहली हैट्रिक है बता दें कि पूर्व भारतीय पेसर चेतन शर्मा ने 1987 में विश्व कप इतिहास की पहली हैट्रिक ली थी वहीं वर्ल्ड कप के इतिहास में मोहम्मद शमी हैट्रिक लेने वाले दसवें गेंदबाज बन गए हैं तो ये जो है मोहम्मद शमी हैं भारतीय गेंदबाज जो विश्व का इतिहास में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं तो ये आपको डिटेल याद रखनी है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में बाढ़ की स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक एटलस लॉन्च किया है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन डी ओडिशा तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में राज्य में बाढ़ की स्थितियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक एटलस लॉन्च किया गया था इस एटलस के जरिए राज्य में बाढ़ प्रबंधन हेतु एक नई रूपरेखा तैयार करने में जो है मदद मिलेगी यह एटलस नेशनल रिमोट सेंसिसिंग सेंटर यानी कि राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्थान जो कि हैदराबाद में है और ओडिशा राज्य विकास आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है तैयार किया गया है तो ओडिशा राज्य के द्वारा ये एटलस लॉन्च किया गया तो सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पाँच साल में राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलफुल डिफॉल्टरों की जो संख्या है वह कितनी हो गई है तो परसेंटेज बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी 60 परसेंट तो विलफुल डिफॉल्टरों की जो संख्या है वो मार्च 2019 तक 60 परसेंट बढ़कर आठ यानी 8,582 हो गई है उन्होंने बताया कि विलफुल डिफॉल्टरों के खातों से इस दौरान सात करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई है क्षमता होने के बावजूद लोन नहीं चुकाने वालों को विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है यह आपको याद रखना है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने कंपनी में अपने पाँच करोड़ रुपए के फाइव लाख शेयर जो हैं वो किस कंपनी को थोड़ी समय पहले बेचे थे तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी वॉलमॉट तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक जो हैं बिन्नी बंसल इन्होंने कंपनी में अपने 531 करोड़ रुपए के 5.4 लाख शेयर जो हैं वो वालमार्ट कंपनी को बेच दिए थे नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा के क्यूरोसिटी रोवर के द्वारा किस ग्रह की वायु में मेथेन की उच्च मात्रा होने का जो डेटा है वो सेंड किया गया है यानी कि भेजा गया है तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मंगल ग्रह तो पृथ्वी पर मिथेन गैस CH4 गैस यानी कि जीवित जीवों द्वारा उत्सर्जित होती है और वैज्ञानिक इसे मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का संकेत भी मान रहे हैं तो नासा के क्यूरोसिटी रोवर के द्वारा मंगल ग्रह पर वायु में मिथेन के उच्च मात्रा के होने के जो डेटा है उसको सेंड किया गया है अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला है अमेरिकी विदेश मंत्री का क्या नाम है जिन्होंने कुछ ही समय पहले भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो अमेरिकी विदेश मंत्री का नाम बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए माइक पोम्पियो तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने भारतीय समकक्षीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी और माइक पोम्पियो ऐसे वक्त पर भारत आए थे जब ट्रेड वार ट्रेड वार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा था अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को पहला स्थान मिला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नीति आयोग ने जो स्वास्थ्य रैंकिंग जारी की है उसमें भारत कि किस राज्य को जो है पहला स्थान मिला है ये बताना है। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सेवाओं के प्रधानमंत्री जबकि राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं जैसा कि ये आपको मालूम होगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर रहेगा कि नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है तो अब अंतिम स्थान बताना है जो कि अंतिम पोजीशन पे है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर ऑप्शन बी बिहार तो दोस्तों बिहार जो है यह राज्य स्वास्थ्य रैंकिंग में जो है सबसे अंतिम स्थान पर आया है दोस्तों बता दें कि इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को बीसवें स्थान पर उत्तराखंड को उन्नीसवें स्थान पर इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड राज्य है उसको उन्नीसवें स्थान पर और ओडिशा को अठारहवें स्थान पर रखा गया है वहीं सूचकांक में सुधार के पैमाने पैमानों पर हरियाणा का जो प्रदर्शन है वो सबसे अच्छा रहा है यानी कि अगर सुधार के पैमाने को लिया जाए तो हरियाणा ने सबसे अच्छा जो है प्रदर्शन किया है अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आई से पहला चालक दल किस स्थान पर लैंडिंग करके वापस धरती पर सुरक्षित लौटने में कामयाब हुआ है तो इम्पोर्टेंट है तो किस स्थान पर लैंडिंग की है ये बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी कजाकिस्तान तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री एनी मैकलेन, रॉस कॉस्मस के ओलेग कोनोनिको तो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के रिकॉर्ड होल्डर डेविड सेंट जैक्स कजाकिस्तान पहुंचे हैं तो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि भारत ने हाल ही में वेस्ट इंडीज को कितने रनों से हराकर विश्व कप इतिहास में उसके खिलाफ अपने सबसे बड़ी जो जीत है वो दर्ज की है तो ये आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 125 रनों से हराकर तो ये मैच जो था मैनचेस्टर में खेला गया था तो मैनचेस्टर में खेले गए इस एक तरफा मुकाबले में टॉस तो जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित पचास ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 268 यानी कि दो रन बनाए जबकि जवाब में वेस्टइंडीज की जो पूरी टीम थी वो एक रन पर ही सिमट गई थी और मैच हार गई थी कोहली को जो है इस मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया था अगला क्वेश्चन देखते हैं तो किस देश ने यूरोपीय संघ ने किस देश के यूरोपीय संघ ने खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को दो के अंत तक बढ़ा दिया है तो यूरोपीय संघ ने खाद्य आयात पर लगाए गए किस देश के देश पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको 2020 के अंत तक बढ़ा दिया है ये बताना है तो उस देश का नाम है ऑप्शन ए रूस दोस्तों इसके तहत जो है 31 दिसंबर 2020 तक यूरोपीय संघ से मांस दूध उत्पाद और अन्य खाद्य वस्तुओं का आयात नहीं किया जाएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि पहले खाड़ी देश का क्या नाम है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ गो ए एम एल एप्लीकेशन को अपनाया है तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप हमें कमेंट में भी दे सकते हैं तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात तो संयुक्त अरब अमीरात ऐसा पहला खाड़ी देश बन गया है जिसने धन शोधन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए गो ए एम एल यानी कि गो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है इसका उद्देश्य संगठित वित्तीय अपराधों पर रोक लगाना है अगला है कि ओलंपिक खेलों की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के लॉसेन में ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है तो इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड तो दोस्तों ओलंपिक खेलों की हाल ही में कुछ समय पहले एक सौ पच्चीसवीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इसी के अवसर पर देश के लौ... जो है स्विट्जरलैंड देश के लोसाने में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय का नए मुख्यालय का जो उद्घाटन है वो किया गया था दोस्तों बता दें कि ओलंपिक खेल विश्व शांति तथा आशा का सूचक है इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था ओलंपिक हाउस का निर्माण पूर्व ओलंपिक मुख्यालय के स्थान पर किया गया है और इस भवन का जो निर्माण है वो 145 मिलियन डॉलर की लागत से किया गया है नहीं, एक 145 मिलियन डॉलर की लागत से इस नए जो मुख्यालय है इसका उद्घाटन किया गया है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संसद में पेश किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है बेरोजगारी दर सबसे अधिक है तो बेरोजगारी दर सबसे अधिक किस राज्य में ये बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए नागालैंड राज्य में तो सरकार ने बेरोजगारी से संबंधित वर्ष दो से अठारह में किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसके अनुसार देश में नागालैंड में बेरोजगारी दर सबसे अधिक और ट्वेंटी वन पॉइंट फोर परसेंट है वही मेघालय में बेरोजगारी दर सबसे कम है जो कि सिर्फ वन पॉइंट फाइव परसेंट है तो सबसे अधिक नागालैंड में है ट्वेंटी वन पॉइंट फोर परसेंट और सबसे कम है मेघालय में जो कि वन पॉइंट फाइव परसेंट है यह आपको याद रखना है नागालैंड के बाद दूसरा और नागालैंड के बाद दूसरा और तीसरा स्थान जो कर्मशाह है वो है गोवा और मणिपुर का यानी कि दूसरे नंबर पर बेरोजगारी में जो सबसे अधिक है वे गोवा है दूसरे नंबर पर तीसरे पर मणिपुर है इस सर्वेक्षण की दोस्तों जो शुरुआत है वो सर्व सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में की गई थी ये डिटेल आपको याद रखनी है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है कि किस देश ने मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति यानी कि याद पर शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया है तो किस देश ने किया है मणिपुर में ये बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी जापान ने तो जापान देश के द्वारा मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध की याद में शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है इस इसे जो है इम्फाल शांति संग्रहालय का जो उद्घाटन है इम्फाल की लड़ाई की पिचत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया इस संग्रहालय के लिए जापान बेस्ड गैर लाभकारी संगठन निप्पन फाउंडेशन द्वारा फंडिंग प्रदान की गई और इस संग्रहालय में जापानी सैनिकों की डायरी और अन्य संबंधित वस्तुओं को भी रखा गया है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से किस बीमारी के उन्मूलन यानी कि समाप्ति के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना तैयार की है तो वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है किस बीमारी के लिए तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी टीबी तो टीबी के उन्मूलन के लिए वर्ष दो तक का लक्ष्य जो केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च दो में टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी असम के किस मंदिर में वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है तो अंबुबाची मेले का जो आयोजन है वो गुवाहाटी असम के किस मंदिर में किया जाता है ये बताना है तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कमाख्या मंदिर तो कमाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले का आयोजन गुवाहाटी असम में जो है किया गया है जो कि वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है दोस्तों बता दें कि गुवाहाटी असम में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर इक्यावन शक्तिपीठों में से एक है देवी कामाख्या का सिद्ध कुब्जिका के रूप में जो है भी इसको जाना जाता है इस मेले को पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह विश्व भर से लाखों भक्तों का जो है आकर्षित करता है इसलिए इसे पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर भर से लाखों भक्त जो हैं आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं Osionfish. तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी किस अभिनेत्री और निर्देशक का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है तो उन उनका नाम बताना है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी विजया निर्मला तो विजया निर्मला जो कि दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक रही थी इनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था बता दें कि उन्होंने करीब 44 तेलुगु फिल्म का फिल्मों का जो है निर्देशन किया था और ऐसा करने वाली पहली महिला फिल्म निर्देशक होने की वजह से वे साल 2002 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था विजया निर्मला ने मलयालम तेलुगू और तमिल भाषा की करीब 200 फिल्मों में जो है काम किया था अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ महिलाओं ने जो है बर्थ स्ट्राइक नामक अभियान आरम्भ किया है तो ये बर्थ स्ट्राइक नामक अभियान जो है किस देश में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ महिलाओं के द्वारा किया गया है ये बताना है तो इस देश का नाम है ऑप्शन सी ब्रिटेन में तो लंदन में रहने वाली तैंतीस साल की बला आ, बलाई थे पेपिनों ने 2018 के अंत में बर्थ स्ट्राइक ग्रुप का गठन किया था अब तक इस आंदोलन के साथ जो है 500 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं और दोस्तों आंदोलनकर्ता जो महिलाएं हैं इनका कहना है कि वे बच्चे पैदा नहीं करेंगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी तो ये बर्थ स्ट्राइक नामक जो अभियान है ये ब्रिटेन की महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है एशिया प्रशांत के पचपन देशों ने एक मत से वर्ष दो हज़ार इक्कीस से बाईस की समयावधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश की अस्थायी सदस्यता हेतु समर्थन किया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी भारत की सदस्यता के लिए तो एशिया प्रशांत के जो पचपन देश हैं उन्होंने एक मत से वर्ष दो हज़ार इक्कीस से बाईस की समयावधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत देश की अस्थाई सदस्यता के लिए समर्थन दिया है भारत अब आसानी से एक देशों के समूह वाले यूएन महासभा के दो तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता प्राप्त कर लेगा भारत इसके पहले जो है सात बार अस्थाई सदस्य भी रह चुका है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में एक बौद्ध अवशेष पाया गया है तो ये बौद्ध अवशेष जो पाया गया है ये पाया गया है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों यह स्तंभ जो है चूना पत्थर से बनाया गया है जिसके केंद्र में अर्धकमल बना हुआ है तथा इसका जो शीर्ष भाग है वो ऊपर की ओर खुदा हुआ है विजयवाड़ा और अमरावती के सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शुरू किए गए एक जागरूकता अभियान के तहत इन अन्वेषों का जो है अन्वेक्षण किया गया है तो ये जो बौद्ध अवशेष है ये आंध्र प्रदेश में मिला है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेज बीस हज़ार रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है तो ये आईसीसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी विराट कोहली ने तो भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बीस रन पूरे किए थे उन्होंने यह उपलब्धि सबसे तेज़ प्राप्त की है इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर और बरायन लारा के जो रिकॉर्ड है उसको भी पीछे छोड़ दिया है अगला क्वेश्चन है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 2019 के लिए विषय क्या रखा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए न्याय के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए न्याय यानी कि हेल्थ फॉर जस्टिस जस्टिस फॉर हेल्थ तो ये विषय रखा गया है दोस्तों यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतरराष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प के रूप में इसको मनाया जाता है दोस्तों तो न्याय के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए न्याय यानी कि हेल्थ फॉर जस्टिस जस्टिस फॉर हेल्थ जो है इस वर्ष 2019 के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा कि आईसीसी ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में हैश टैग वन डे फॉर द चिल्ड्रन नामक अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया था तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा आप हमें कमेंट में दे सकते हैं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूनिसेफ के साथ तो वन डे फॉर चिल्ड्रन के एम्बेसडर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी नासिर हुसैन हैं विश्व कप के अड़तालीस मैचों में हैश टैग वन डे फॉर चिल्ड्रन के तहत गतिविधियों का आयोजन किया गया इस इससे जो प्राप्त धनराशि थी इसका उपयोग क्रिकेट खेलने वाले देशों में बच्चों की शिक्षा तथा खेलों के लिए किया जाएगा और इस प्रतिस्पर्धा का आयोजन 30 मई से 14 जुलाई के बीच में किया गया था तो यूनिसेफ और आईसीसी के द्वारा मिलकर इस हैश टैग वन डे फॉर द चिल्ड्रन नामक अभियान का आयोजन किया गया अगला है कि भारत के पंकज अडवाणी ने पैंतीसवीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में किस देश के थनावत तिरपोंग पैबून को पराजित कर खिताब जीत लिया था तो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी थाईलैंड तो थाईलैंड के थे जिन खिलाड़ी जिनको हराया है जो भारतीय है, खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी इन्होंने और इन्होंने पैंतीसवीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया था पंकज अडवाणी ने इस खिताब के साथ ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने एशियाई और वर्ल्ड चैंपियनशिप के हर प्रारूप में जीत दर्ज की है वो बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों ही खेलों में ऐसा काम करने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि पंकज अडवाणी किस गेम से संबंधित हैं तो आंसर रहेगा बिलियर्ड्स या स्नूकर अगले क्वेश्चन तो तो कि की किस परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि दो साल के लिए पुलावरम बहुविदेशी परियोजना तो इस परियोजना के तहत जो है गोदावरी नदी पर मिट्टी एवं पत्थर युक्त बांध बनाने की परिकल्पना की गई थी इस परियोजना से लगभग तीन लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी 960 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ वन बिजली जो है उत्पन्न की जाएगी यानी कि पानी से बिजली उत्पन्न की जाएगी और इस परियोजना के आसपास के 540 गांव में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो ये जो परियोजना है ये इसकी जो अवधि है इसको दो साल आगे बढ़ाया गया है जिसका नाम है पोलावरम बहुद्देशीय परियोजना नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी जी ट्वेंटी तो जापान स्थित ओसाका में आयोजित जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी अगले क्वेश्चन की तरफ तो देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि आर के डिप्टी गवर्नर का गवर्नर का क्या नाम है जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पहले ही इस्तीफा दे दिया है तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इनका नाम बताना है डिप्टी गवर्नर का तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी विरल आचार्य आचार्य तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि के सबसे युवा डिप्टी गवर्नर विरल ने पद से इस्तीफा दे दिया था विरल आचार्य को तीन साल के कार्यकाल के लिए तेईस जनवरी 2017 को आर में शामिल किया गया था और उनका तीन साल का जो कार्यकाल था वो जनवरी 2020 में पूरा होना था लेकिन इन्होंने कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पहले ही इस्तीफा दे दिया है जो विरल आचार्य हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मानसून में देरी के कारण भारत में 40 परसेंट से अधिक क्षेत्र में सूखे का जो संकट है वो मौजूद है तो किस संस्थान के द्वारा किए गए अध्ययन के स्टडी के अनुसार ये बताया गया है ये बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए आईआईटी गांधीनगर तो आईआईटी गांधीनगर के द्वारा संस्थान में संस्थान द्वारा किए गए स्टडी यानी कि अध्ययन के अनुसार ये कहा गया है कि मानसून में देरी के कारण भारत में 40 परसेंट से अधिक क्षेत्र जो हैं वो सूखे का जो संकट है वहाँ पर मौजूद है दोस्तों ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि ड्यूज के अनुसार ये जो देश के चवालीस फीसदी हिस्से हैं किसी ना किसी रूप में ये सूखे से प्रभावित हैं तो ये जो फोर्टी परसेंट जो बताया गया है ये ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत बताया गया है अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रहेगा कि किस पूर्व प्रधानमंत्री को उन्नीस सौ में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने वाले तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी जी वी आर लक्ष्मी नारायण का हाल ही में निधन हो गया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी दोस्तों बता दें पूर्व प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी इनको 1977 में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था जो थे तमिलनाडु के पूर्व डीजेपी जी वी आर लक्ष्मी नारायणन और इनका हाल ही में निधन हो गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घोषणा की है कि उच्च शिक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर छात्रों को दस लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है ये बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी दिल्ली सरकार तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा भी की है और उच्च शिक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर छात्रों को दस लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा हाल ही में की गई है दिल्ली सरकार द्वारा अगला क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी का क्या नाम है जिसकी एंटीगुआ की नागरिकता को रद्द करने की घोषणा हाल ही में की गई थी तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी मेहुल चौकसी तो एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के अनुसार मेहुल चौकसी को पहले यहाँ की नागरिकता मिली हुई थी लेकिन अब इसे रद्द किया जा रहा है और भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है यानी भारत को सौंपा जा रहा है हम किसी भी जो यानी कि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री हैं गेस्टम उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने देश में नहीं रखे रखा जाएगा जिस पर किसी भी तरह के आरोप लगे हों दोस्तों पीएनबी घोटाले के तहत नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर तेरह हजार करोड़ रुपए के गबन का आरोप था और ये मामला 2018 में सामने आया था और इस पर हमने वीडियो बना के भी आपको बताया था तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो कि पीएनबी घोटाले से संबंधित हैं जो हैं इस इन इनमें से मेहुल चौकसी की जो एंटीगुआ की नागरिकता थी इसको रद्द कर दिया गया है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन हो गया है तो इस राज्य का नाम बताना है किस राज्य से थे ये तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए राजस्थान तो राजस्थान राज्य के बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी का जो है जून के फोर्थ वीक में निधन हो गया था राज्यसभा सदस्य भी थे दोस्तों ये और मदन लाल सैनी को जून 2018 में ही राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के, के रूप में चुना गया था तो जून 2018 में इनको चुना गया था राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष के, के रूप में और मदन लाल सैनी जनसंघ के समय से राजनीति में सक्रिय रहे थे अगला क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्त अगस्त्य पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधे आरोग्य पाचा के आनुवानशिक बनावट को डिकोड किया है तो ये किस राज्य के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है ये बताना है तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी केरल तो हाल ही में केरल राज्य के वैज्ञानिकों ने अगस्त्य पहाड़ियों में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधे आरोग्य पाचा के आनुवांशिक बनावट की को जो है डिकॉड कर दिया है आरोग्य पाचा एक चमत्कारिक पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम ट्राइकोपस जेलिनियस है उल्लेखनीय है कि इस चमत्कारी उपयोग कनी जनजाति के समुदाय द्वारा प्रारंभिक रूप से थकान दूर करने के लिए किया जाता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड देश की सरकार ने नीरव मोदी और उनकी बहन पूर्वी मोदी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था नीरव मोदी को 19 मार्च को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद से वह साउथ वेस्ट लंदन की वाण्स जेल में बंद है अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में इंप्रेस्ड कछुआ की खोज की गई है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में इंप्रेस कछुए की खोज की गई है और उसका वैज्ञानिक नाम मनोरिया इम्प्रेसा रखा गया है इसकी जाति जो जीन्स है वो मनोरिया है और यह दक्षिण पूर्व एशिया में वनों में निवास करने वाले कछुओं की अब तक ज्ञात चार प्रजातियों में से एक है इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस नाम से अभियान आरंभ किया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी जीरो चांस तो जीरो चांस नामक जो अभियान है ये ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो उसके सफल होने की जो संभावना है वह शून्य है जो लोग ऑस्ट्रेलिया में वैध और स्थायी प्रवेश चाहते हैं उन्हें रिफ्यूजीज रेस प्रोग्राम के तहत जो है आवेदन करना होगा तो जीरो चांस नामक अभियान ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों ये थे जून के फोर्थ वीक के बहुत ही इंपॉर्टेंट 44 वीकली करंट अफेयर एम के फॉर्म में तो आपके 44 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर कोई राय आपको देनी है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है उसमें बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अब मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए और बेलाइकन को जरूर दबा लीजिएगा अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग